कैसा लगा कैसा लगा दोस्तों? ये रहा मेरा पर्सनल कलेक्शन ऑफ KW स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स। मेरे पास उनका पहला प्रोडक्ट है जो है मेरे YouTube चैनल पे मेरा दूसरा वीडियो था, विच इज़ KW स्पोर्ट्स का ब्लैक माम्बा हार्ड टेनिस। उसके बाद आई हैव देयर सॉफ्ट सिक्सर एडिशन जो ब्लू कलर, और उसके बाद और एक हार्ड टेनिस के लिए मैंने मंगाया था थोड़ा वेट कम वाला, वो है। और पिछले हफ्ते पिछले पार्ट वन वीडियो में आपने देखा था उनका नया लॉन्च, यू नो KW स्पोर्ट्स का वेनम। वेनम इज फॉर लाइट वेट बैट विच इज़ फॉर 80-90 grams। वेलकम टू माई चैनल UBC, विजय थापा UBC, और मैं विजय थापा आपका होस्ट बैंगलोर से। दोस्तों थापा सलाम आपको मंजूर हो, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो एंड यू आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि अगली बार मैं कोई नया वीडियो आपको लेके आऊँ तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड मिले। बेल आइकन दबा के ऑल ऑप्शन दबाना मत भूलना, दिस इज माय रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच। दोस्तों पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने अनबॉक्सिंग किया था और आपको दिखाया था वेनम का स्पेशल बैट विच इज़ मेड फॉर एवरेज बॉल जो 80 से 90 ग्राम के लिए होता है। ये उनका वेनम बैट है, वंडरफुल पीस ऑफ बैट दैट वी हैव गॉट हियर, अ मास्टर क्लास आई वुड से। इसके बारे में मैंने आपको दिखाया था, डिटेल रिव्यू दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे देता हूँ, ज़रूर देखिए और खुद जान जाए इस बैट के बारे में क्या है, राइट। अब ये तो हो गया वेनम, इसका अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी कर चुका था, दो बैट मेरे इसमें थे, दोनों निकाल दिए। अभी ये दिस इज देयर सेकेंड बैट फ्रॉम द वेनम, फ्रॉम द हाउस ऑफ KW स्पोर्ट्स। ये उनका दूसरा पेशकश है वेनम मॉडल में, विच इज़ प्योरली फॉर हार्ड टेनिस। दोस्तों इसको नीचे रखता हूँ, प्योरली ये हार्ड टेनिस के लिए ही बनाया हुआ है। सो विच मीन्स दैट दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, दिन में 150-200 कॉल आते हैं मुझे, और वैसे ही 150-200 मैसेजेस आते हैं ऑन अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मुझे ये पूछते हैं कि भाई मैं हार्ड टेनिस से खेलता हूँ लेकिन मुझे 900 ग्राम से 1000 तक का बैट चाहिए। दोस्तों गलत, यू नीड टू हैव द राइट बैट टू प्ले द राइट फॉर्मेट ऑफ द गेम। ऐसा नहीं होता कि आप हल्के वाले बैट लो और हैवी टेनिस खेलने के लिए कोशिश करो, क्या होगा उससे? पहले तो बैट टूट जाएगा, दूसरी बार हाथ में वाइब्रेशन आएगा, तीसरी बार आपका शॉट्स नहीं जाएगा, लोग आपको आप पे हंसेंगे, आपके बैटिंग स्किल्स पे हंसेंगे, बोलेंगे क्या कर रहा है तू, क्या व्हाट आर यू डूइंग, डोंट डू दैट। एक खिलाड़ी को पता होता है कि उसको कौन सा बैट चाहिए। टॉक टू योर बैट्स, अंडरस्टैंड आपकी नीड क्या है, उसके बाद बैट खरीदिए। हैवी टेनिस 100 से 130 ग्राम होता है, उसके लिए हैवी बैट ही होना चाहिए, मतलब मिनिमम 1100 के ऊपर ही होना चाहिए आपको हैवी बैट से खेलने के लिए। 100 ग्राम के अंदर का बैट नहीं चलेगा आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो देर नहीं करते दोस्तों, इसके बाद ये तो इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने। दोस्तों ये देखिए मेरे पास है वेनम का हार्ड टेनिस बैट बाय KW स्पोर्ट्स। दोस्तों इसका प्रोफाइल देख लीजिए, ब्यूटिफुल पीस ऑफ प्रोफाइल आई वुड से, वंडरफुली डन, ब्यूटिफुली डन, आई एम लविंग दिस बैट। ब्लू कलर तो मेरा फेवरेट है दोस्तों। सो इनके यहाँ पे बहुत सारे कलर ऑप्शन है, एक है ब्लैक, एक है ब्लू, और एक नया कलर और प्यारा सा कलर आया हुआ है विच इज़ गोल्डन कलर। देखा है आपने? नहीं देखा, देख लीजिए, बहुत ही प्यारा कलर है इनका। दोस्तों दिस इज देयर A1 ग्रेड कश्मीर विलो बैट, हार्ड प्रेस बैट मेरे को बताया गया है, तो आपके सामने मैं टोटल रिव्यू दूंगा तो पता चलेगा। दोस्तों लेट्स गो एंड शो यू द फ्रंट फेस ऑफ दिस बैट। A1 ग्रेड का कश्मीर विलो बैट होता है, ये देख लीजिए, ये इसका साइड प्रोफाइल देख लीजिए दोस्तों, और ये रहा इसका बैक प्रोफाइल, और ये दिस इज वन ऑफ द साइड प्रोफाइल अगेन, देख लीजिए दोस्तों, राइट। ये हो गया इनका प्रोफाइल। अगेन दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि इनका ओरिजिनल सील ऑफ मार्क देख के ही खरीदिए, विच इज़ KW स्पोर्ट्स का ओरिजिनल जो बर्नट मार्क होता है, दैट इज़ वन ऑफ द ऑथेंटिकेशन टू से दैट ये क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है एंड यू आर बाइंग फ्रॉम ओरिजिनल प्रोडक्ट। दूसरा है इनका होलोग्राम देख लीजिए दोस्तों, ये जो होलोग्राम है इट्स अ ब्यूटिफुली डन, इसको देख के खरीदिए। और दोस्तों इस बार इस इनके बैट में पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इनका जो स्टिकर्स बनाया हुआ है इट्स बहुत प्यारा बनाया है, दिस काइंड ऑफ स्टिकर्स आर यूज इन वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, बड़े बड़े ब्रांडों में होता है ऐसा, प्रीमियम क्वालिटी के स्टिकर्स है, एम्बोस स्टिकर्स बोलते हैं जो इट्स ऊपर आया हुआ है, सो दिस इज ब्यूटिफुल। और दोस्तों इनका और एक बर्नट मार्क यहाँ पे है, देख लीजिए, दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ प्योरिटी,
या तो KW स्पोर्ट्स से डायरेक्ट खरीदिए या फिर इनके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदिए, ये वाला लोगो देख के, राइट। दिस इज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ बैट इन माई हैंड फॉर हार्ड टेनिस। दोस्तों ये देखिए इसका प्रोफाइल, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यू नो ये जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये आपकी फीडबैक सुनते हैं और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उसके बाद ही मार्केट में प्रोडक्ट लाते हैं। सो मतलब आपने जो भी फीडबैक इनको दिया था इन्होंने सुन लिया है। दोस्तों ये जो ग्रिप देते हैं एकदम फर्स्ट क्लास प्रीमियम ग्रिप है। मेरे दूसरे बैटों में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे इनका ग्रिप अभी तक मैंने चेंज नहीं करवाया। जो उन्होंने इनिशियली दिया था 4 महीने बाद भी मेरे पास ये ग्रिप चल रहे हैं। सो विच मीन्स लाइक एनी अदर मैन्युफैक्चरर्स, कॉस्ट कटिंग करने के लिए ये लोग छोटा मोटा ग्रिप नहीं देते हैं। और अभी बात करते हैं दोस्तों इनके ग्रिप्स की और हैंडल की। ये देखिए दोस्तों, ये है 3-पीस सिंगापुरी केन हैंडल, वेरी गुड फॉर एनी ऑफ द बैट्स, वन ऑफ द प्रीमियम क्वालिटी होता है, वेल बैलेंस्ड बैट। दोस्तों सच का सामना मैं हमेशा दिखाता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, तो ताकि उनको कारीगरी पता चले। दोस्तों ये देखिए इनके यहाँ पे कोई भी गैप्स नहीं है हैंडल के पास। ये देखिए ऑलराउंड में दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इनकी कारीगरी कैसी है, हाउ देयर क्राफ्टमैनशिप इज। सो नॉर्मली यू नो दिस विल शो यू हाउ वेल देयर बैट्स आर, हाउ वेल देयर वर्कमैनशिप इज। तो यहाँ पे कोई जॉइंट्स में कोई गैप नहीं है, दिस नथिंग इन गैप। मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों ये नेकेड बैट ही कहलाया जाता है और इसके ऊपर इन्होंने पेंट, यू नो प्रीमियम क्वालिटी का पेंट मारते हैं ताकि आपके बैट को विंटर से प्रोटेक्शन मिले। जिस दूसरे कंपनियां वो भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, बोलते हैं बैट पे पेंट मार के बोलते हैं कि ये विंटर बैट है और इसमें पानी नहीं जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। दोस्तों ये सारी बात नॉट रियली ट्रूथफुल है, गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेंट थोड़ी टाइम के लिए ही आपको सेव करता है। हम लोग क्रिकेट खेलने वाले दोस्तों, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है और हम हमेशा ऐसे टैपिंग करते हैं, राइट। टैपिंग करोगे तो बॉटम यहाँ पे निकल जाता है और पेंट भी निकल जाता है, पेंट निकल गया और यू नो उसमें पानी जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि यो यू नो आपको लॉन्ग लास्टिंग वो देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, सच यही है दोस्तों कि हम लोगों को, हम खिलाड़ी होने के नाते हमको पता है, हम फील्ड में ले जाते हैं कभी कभार बैट ऐसे साइड में रखते हैं, कभी चोट लग जाते हैं, पेंट निकल जाता है, जहाँ पे भी ऐसा जाएगा तो पानी अंदर ही जाएगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ विंटर बैट्स और प्रोटेक्शन बैट, ये सब मार्केटिंग गिमिक है, विच KW स्पोर्ट्स नेवर डज दैट, राइट। दे गिव यू अ कलर ऑप्शन, दे टेल दैट यू नो इट विल लॉन्ग लास्ट, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये ज़्यादा टिकेगा, राइट। सो नाउ कम लेट्स कम बैक टू द बैट। दोस्तों इट इज़ अ वेल बैलेंस्ड बैट है, हैवी बॉल के लिए। इट्स अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ बैट, वेल बैलेंस। अगर मैं हैवी बॉल से खेल रहा हूँ जो 120 से 130 ग्राम है, दिस इज़ अ परफेक्ट फिट बैट। और पिछले बार जो भी इनके फीडबैक आपने दिए थे उस पर उन्होंने काम किया है, क्या है मैं बताऊँगा। सो दोस्तों अगेन ब्यूटिफुल पीस ऑफ क्लेफ्ट, आई वांट टू शो यू द कर्व। ये कर्व देख लीजिए दोस्तों, इनका कर्व और बॉटम देख लीजिए, बॉटम एंड कर्व इज देयर मेन USP, जो इन्होंने इंडिया में ऐसा बैट लॉन्च किया था और आज तक ये इंडिया में धमाल मचा रहा है। इट्स अ ब्यूटिफुल बीस्ट पीस ऑफ बीस्ट, मेरे हाथ में बोलता हूँ बीस्ट है ये, एकदम बीस्ट। सो लेट्स क्विकली शो यू द मेजरमेंट ऑफ इट, यू नो कितना लंबा चौड़ा है ये। ये देखिए दोस्तों 35, ऑलमोस्ट 36 के आसपास है, 35.7 इंचेस का ये बैट है। और आपको दिखा दूं ये, एक मिनट दोस्तों, नीचे से आप देखोगे ऑलमोस्ट 25 इंचेस का इसका ब्लेड है और 10.5 प्लस इसका हैंडल है। तो ये हो गया इसका हाइट, और आपको अभी दिखाता हूँ इसका विड्थ। ये देखिए दोस्तों, ओके 4.5 इंचेस इसका विड्थ है, 4.5। और इसका बॉटम दिखा देता हूँ जो इसका मेन USP है। दोस्तों दिस इज़ ऑलमोस्ट 47 mm इसका जो बैट है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा कैमरा फोकस शायद नहीं हो रहा है, 47 mm का इसका बैट है, 47 mm। सो दिस इज़ इट्स विड्थ, बहुत ही प्यारा सा बैट है आपके लिए अगर आप हैवी टेनिस खेल रहे हो तो। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ बैट।
दोस्तों ये रही मेरी मीनू, एंड लेट मी शो यू इस मीनू पे इसका वज़न कितना होता है। दोस्तों उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास ये प्रीमियम ग्रिप है जो कॉयल ग्रिप है, और इसका वज़न आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि एक ग्रिप का वज़न क्या होता है। ये देखिए दोस्तों 60 to 65 grams, मतलब अगर आपका बैट जितना भी है इतना उसका वेट का ग्रिप ही होता है, तो आप समझ लीजिए कि कितना ग्रिप होता है, राइट। अभी इसको मेजर करते हैं, मतलब 1162 grams है, मतलब इसमें 60 grams तो ग्रिप का ही है, तो मतलब 1100 grams का बैट है ये, राइट। और दोस्तों और एक चीज़ आपको जाननी होती है, ये बैट कश्मीर में इतना वेट होता है, राइट। सो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे, बारिश या यू नो बादल ही होते हैं ज़्यादा, साल में 2-3 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे पूरा यू नो धूप होता है वहाँ पे। अगर आप इस बैट को रेगुलरली खेलोगे और इस बैट को धूप में सुखाओगे तो देर आर हाई चांसेस दैट 30 to 50 grams तक इसका बैट का वेट कम होगा। मेरे बहुत सारे बैटों में ऐसा हुआ है, सो आई एम लविंग इट। सो मतलब इस बैट का वेट तकरीबन आपको यू नो ठीक से खेलोगे, सीजन करोगे तो करीबन 150 से 1100 ग्राम के अंदर इसका वेट रहेगा इंक्लूडिंग द ग्रिप वेट। तो मतलब तब तक आपको सीजन करना पड़ेगा और खेलना पड़ेगा। दोस्तों ये नहीं होता कि यू नो बैट के हाथ में आते ही आप छक्के चौके लगाने शुरू करोगे। आप नए गाड़ी लोगे तो भी 1-2 हफ्ता आपको लगेगा आपको ये करने में सेट होने में, वैसे 1-2 हफ्ता लगेगा आपको बैट सेट होने में आपके आपके हिसाब से खेलने में, राइट। और मेरा ये मानना है कि 90:10 इज वॉट मेरा इक्वेशन रहता है, मतलब 90% बैट्समैन या खिलाड़ी की काबिलियत होती है और 10% उसको हेल्प करते हैं उसके बैट्स। That is how I always take that into consideration. 90% हमारा टैलेंट होता है और 10% हमारा जो बैट और हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमारा साथ देते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़। सो इसका हाइट और वेट तो हो गया दोस्तों, अभी आपको मैं इसको दिखाता हूँ हैवी टेनिस होने के नाते, मैं पहले हैवी टेनिस को ही दिखा देता हूँ। ये विकी का रेड बॉल है मेरे पास यहाँ, जो 120 से 130 ग्राम होता है। आप पूछ सकते हो हमेशा मैं ये वेट क्यों दिखाता हूँ, ताकि अगर मेरे कोई नए सब्सक्राइबर्स हो तो उनको पता चले कि यू नो ये कौन सा यू नो कैसे रिव्यू देते हैं, डिटेल रिव्यू होता है। और विकी का ग्रीन बॉल है जो 80 से 90 ग्राम तक है। मेरे पास लेदर बॉल भी है जो मैं आपको टैपिंग के लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन आप इस बैट से लेदर बॉल ना खेलिए जो 150 से 160 ग्राम होता है। दोस्तों टैपिंग के लिए पर्पस लेदर बॉल यूज़ करता हूँ, डू नॉट यूज़ इट ऑन योर टेनिस बैट। हमेशा टैपिंग करने के लिए दोस्तों ग्रिप ऐसे पकड़िए तभी टैपिंग पता चल पाती है। ब्यूटीफुल टैपिंग गाइस, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थोड़े लोग ऐसे ऐसे नीचे से पूरा ऐसे मारते हैं और ऊपर जाता है, ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट कीपिंग द बैट बीनीथ द बॉल। देखो बॉल को ये देखो दोस्तों, ब्यूटीफुली बहुत प्यारी तरह से जा रहा है, बहुत अच्छी तरह से जा रहा है। और ये है लाइट बैट, अगर वो बैट ऐसे ऊपर से जा रहे तो ये तो क्या है दोस्तों, ये तो एकदम हवा में उड़ेगा। वंडरफुल दोस्त, वंडरफुल, बहुत ही प्यारा है दोस्तों। जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ टैपिंग करने के लिए, ताकि हमको इसका पावर और पंच पता चले, नॉट फॉर प्लेइंग, प्लीज डू नॉट डू दैट। ये रहा इसका टैपिंग गाइस, वेरी ब्यूटीफुल, आपने साउंड तो सुन ही लिया होगा। आपको ये ज़रा दिखाना चाहता हूँ मैं इसका टैपिंग के बाद इसका ब्लेड, ताकि आप भी पता चल सके कि कैसा है ये, राइट। और दोस्तों इसके बाद मेरे पास ये गुरु भाई है मेरे पास, दिस इज़ माय गुरु भाई, जो मैलेट है जो 630 grams है यहाँ पे। और हमेशा मैंने बताया था कि गुरु भाई का टेस्ट पास करना ही होता है, तो आई एम गोना स्लाइटली टैप बिकॉज ये टेनिस बैट्स है नॉट लेदर बैट, ताकि मुझे पता चले कि इस पर कैसा होता है करके। और जब भी टैपिंग करते हो दोस्तों, ये वाला हथौड़ा ऐसा नहीं मारते हमेशा, इट शुड बी अ 45-degree एंगल व्हेन यू टैप, ओके। ये वाला 45 degrees हो गया। जैसे मैंने बताया कि टेनिस बैट्स इतना प्रेस नहीं होते जितना लेदर बैट प्रेस होते हैं, तो दे विल बी डेफिनेटली ए डेंट एंड थिंग्स लाइक दैट। दैट मीन्स उसमें से, अभी ये देखिए दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कैसा है करके, राइट। वंडरफुल A1 ग्रेड कश्मीर विलो बैट है। अगर कोई बोलता है इतना प्यारा पेंट है तो ये प्लास्टिक बैट है, प्लास्टिक बैट नहीं है दोस्तों, ये A1 ग्रेड का कश्मीर विलो बैट है, बहुत ही ब्यूटीफुल पीस ऑफ बैट। और दोस्तों
इंडिया में शायद ये पहली कंपनी होगी, ऐसी पहली कंपनी होगी जो वारंटी 6 महीने की देती है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 6 महीने की वारंटी। क्या 6 महीने नहीं सुना आपने? 6 महीने की वारंटी हैंडल पे। अरे वो तो सभी देते हैं, 2-3 महीने का सब, ऐसा लगता है आपको 6 महीने का वारंटी हैंडल पे देते हैं। उसके अलावा 6 महीने का वारंटी ये अपने ब्लेड पे भी देते हैं दोस्तों, 6 मंथ्स वारंटी फॉर द एंटायर बैट, राइट। दोस्तों दिस इज अ कस्टमर फोकस कंपनी, मतलब ये पैसे नहीं कस्टमर कमाना चाहते हैं, लॉयल्टी ब्रांड कमाना चाहते हैं। मतलब ये है कि इसका मतलब हम लोगों को एज ए प्लेयर, हम लोगों को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिली रहना होगा कि एक बैट लेते हैं तो 15-20 लोग ना खेलें। दोस्तों एक बैट लो, एक या दो बंदा खेलो तो बैट लॉन्ग लास्टिंग होता है। हाथ में पांचों उंगली एक जैसी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बंदा उतना ही केयर लेगा जितना आप, राइट। तो आप अपने लिए पर्सनलाइज बैट लो, ओके। टीम के लिए लेना है तो यू नो बंदों को बोलो 5-6 बैट ले तो टीम के लिए खेले, दैट्स हाउ इट्स गोना बी, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ बैट, ओके। दोस्तों KW स्पोर्ट्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नंबर 1 कस्टमर फोकस कंपनी है, आपके फीडबैक्स यू नो बहुत सेंसिबली लेता है, एंड दे लुक एट हाउ टू इम्प्रोवाइज देयर प्रोडक्ट्स डे ऑन डे, ओके। आप इनको हमेशा मंडे टू सैटरडे ही कॉल कीजिए, 10 AM to 7 PM ओनली, उसके बाद ना कीजिए, आप करोगे तो भी आपको रिस्पॉन्स नेक्स्ट डे ही मिलेगा, राइट। सो दोस्तों अभी तक COD नहीं है इनके प्रोडक्ट्स पे, दे आर अ ट्रस्टवर्दी कंपनी। वन आई से ट्रस्टवर्दी कंपनी, इनको मेरे 10 out of 10 यू नो रेटिंग है, क्योंकि मैंने खुद इनसे पर्सनली डील किया है, बहुत सारे कस्टमर जो मेरे पास रीच आउट हुए हैं मैंने उनको बताया, तो दे हैव हेल्प दोज कस्टमर्स अ लॉट। कस्टमर ही इनके लिए सब कुछ है, कस्टमर इज द किंग फॉर देम, राइट। सो अभी तक COD नहीं है इस बैट के प्राइजेस, यू नो KW स्पोर्ट्स ने अपने चैनल में बता दिया था, आप ज़रूर उनके चैनल पे भी जाइए, उनको देखिए और उनको उनके यू नो वीडियोस लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, राइट। सो ये हो गया इनका प्लेयर एडिशन। दोस्तों आप अपना पीस ऑफ ऑर्डर कीजिए, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दे दिया है, आप ज़रूर ऑर्डर कीजिए और लीजिए अपना। और दोस्तों मेरे इस पर्सनल कलेक्शन को देखिए, एकदम ब्यूटीफुल है, आई एम लकी टू हैव दीज बैट्स फ्रॉम KW स्पोर्ट्स। सो दोस्तों अगर आप अगली वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि मैं वेनम और ब्लैक मम्बा का हार्ड टेनिस दोनों को यू नो रिव्यू करूँ, यू नो कंपेरिजन करूँ, क्या आपको चाहिए ऐसा वाला वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थापा सलाम आपको अगले वीडियो तक।